हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल जेनियल कुकीज। आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी, वो भी कुकर में। कुकर में तो खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए झटपट बना लेते हैं खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप मूंग की दाल और 1 कप चने की दाल, मैंने पहले से ही भिगो के रखे थे। ये दोनों दाल से ही हम आज खिचड़ी बनाएंगे। और ले लेते हैं 2 कप गोलाप सरू चावल, मैंने यहाँ पर गोलाप सरू चावल यूज की है, आप चाहे तो दूसरे चावल भी यूज कर सकते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर उसे भिगो के रख देंगे कुछ टाइम के लिए। इसे मैंने धो ली है, अब भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई गरम कर ली है, ये मूंग की दाल है जो अच्छी तरह से हमें खाली कढ़ाई में भूनना है। लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे हम भून लेंगे। देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है, यानी कि हमारा दाल भून चुका है। भुनी हुई दाल को मैंने पानी से धो के उसे पानी निचोड़ के हमने रखी है, ये देखिए। अब बिठा देंगे कुकर और इसमें दे देंगे 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल अब गर्म हो गई है, अब इसमें दे देंगे 1 छोटा चम्मच सफेद जीरा, 1 छोटा चम्मच काला जीरा, 2 तेज पत्ते और 3 लाल सूखा मिर्च तोड़ के इसमें दे देंगे। अब इन्हें थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें दे देते हैं फूलगोभी। मैं फूलगोभी डाल रही हूँ, अगर आपके पास दूसरा वेजीज है तो इसमें आप जरूर डालें। अब इन्हें भी थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें दे देते हैं 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी और इसे मिला लेते हैं। और इसमें दे देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 बीच में से कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक की पेस्ट। अब मसाले को थोड़ा भून लेते हैं। मसाला जल ना जाए इसीलिए इसमें दे देते हैं थोड़ा सा पानी। इसे और थोड़ी देर तक चला लेते हैं। मसाले भून गई है, अब इसमें दे देंगे मूंग की दाल। अब चने की दाल। और इसमें दे देंगे भिगोया हुआ चावल। इन सारी चीजों को अब एक साथ मिला लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो कितना पानी हम इसमें ऐड करें?
कुकर में खाना पकाने के टाइम पे यही एक प्रॉब्लम रहता है कि पानी कितना डाले। मैंने यह पर 2 कप दाल और 2 कप चावल, मतलब कि 4 कप, हमें इनकी 3 गुना पानी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 12 कप पानी। अब इसमें नमक डाल देते हैं। मैंने गोभी भूनने के टाइम पे नमक डाली थी, इसीलिए मैं अभी 1.5 चम्मच दे रही हूँ। और देंगे 1/2 चम्मच हल्दी और इसे मिला लेंगे। अब कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी आने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। 1 सीटी आ गई है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। कुकर ठंडा होने के बाद ढक्कन खोल के देख लेते हैं क्या खिचड़ी पकी है इसमें। अब फिर से गैस को ऑन कर लेते हैं। अब इसे चलाकर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, खिचड़ी के कंसिस्टेंसी एकदम सही बनी है। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच शक्कर। मैंने चेक की थी, थोड़ा नमक और लगेगा इसमें, इसीलिए 1/2 चम्मच और नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। दे देते 1 चम्मच गरम मसाला। कटी हुई धनिया के पत्ते। और लास्ट में दे देंगे 2 चम्मच घी। अब इन सारी चीजों को मिला देते हैं और तैयार हो गई है हमारा गर्मा गर्म खिचड़ी। चलिए इसे अब सर्व कर देते हैं। तो मैंने तो खिचड़ी सर्व कर दी है। आप घर पे जरूर कुकर में एक बार खिचड़ी ट्राई करें। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।